यूपी के जौनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उनके पास से असलहा, कारतूस और 22 एटीएम कार्ड भी बरामद किया है। आरोपियों में एक 10,000 का इनामी अपराधी मसहूद भी शामिल था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि तीनों का एटीएम कार्ड बदलकर पैसा निकालने और लूट करने वाले अपराधियों का एक संगठित गैंग है जो वाराणसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, आजमगढ़, मऊ आदि जनपदों में लुका छिपी कर घटना को अंजाम देते थे। थाना चंदवक ने काफी अच्छा गुड वर्क किया है। ये जो बैंकों के एटीएम के माध्यम से जो ठगी का गैंग है, ये एटीएम को बदल करके और दूसरा एटीएम दे करके उससे पैसे निकाल लेते थे तथा एटीएम मशीन को हैंग करके उससे पैसे निकालने वाला ये गैंग है। कुल तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मसहूद उर्फ मसहूर अहमद पुत्र महबूब अहमद उर्फ लल्लन निवासी अमहित थाना किराकत जनपद जौनपुर, ये किराकत का 10,000 रुपये का इनामिया भी है। दूसरा है खैरुल बसर पुत्र निजामुद्दीन निवासी बेलहरी थाना खानपुर गाजीपुर।